नमस्कार, स्वागत है आपका आईडीपी 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आदिवासी वनवासी जो कि वन क्षेत्रों के आसपास निवास करते हैं और वन उनकी जीविका बहुत बड़ा माध्यम है, वनों से उनका सदियों पुराना रिश्ता है, वे वनों को अपना इष्ट देवी भी मानते हैं। आदिवासी वनवासी वनों को अपने जीविकोपार्जन का अधिकार भी समझते हैं, किंतु वे अब ऐसा महसूस करने लगे हैं कि उन्हें उनके परंपरागत वनों के अधिकारों से वंचित किया जाने के कुचक्र चलाई जा रही है। वनों पर सदियों से मिल रहे उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अपने इन्हीं अधिकारों के लिए आदिवासी वनवासी एकजुट होकर वन अधिकार संघर्ष समिति राजनांदगांव के बैनर तले सीमावर्ती क्षेत्र मानपुर, जो कि महाराष्ट्र और बस्तर की सीमा से लगा हुआ है, जहां पर विगत दिनों आदिवासियों ने अपने अधिकारों के हनन के लिए संघर्ष करने की रणनीति बनाई और इस रणनीति के तहत 11 नवंबर 2019 से वन अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले वन स्वराज पद यात्रा करते हुए राजधानी के लिए कूच कर गए हैं। उनके शांतिपूर्ण रैली में सुदूर अंचल के हजारों आदिवासी वनवासी महिलाएं, युवा और बच्चे सभी शामिल हैं। आदिवासियों ने अपनी वन स्वराज पदयात्रा में वे अपने परंपरागत अस्त्र तीर कमान और कुल्हाड़ी भी साथ लिए चल रहे हैं। 8 दिवसीय अपनी इस यात्रा में वे विभिन्न पड़ाव पार करते हुए आज रायपुर पहुंच गए। यात्रा के साथ वे अपने भोजन और जरूरत की भी सामग्री लेकर चल रहे हैं। साथ ही यदि निर्धारित रात्रि विश्राम स्थल से पूर्व अंधेरा हो जाता है तो उनकी व्यवस्था भी अपने साथ रखे हैं। इस रैली के दौरान उन्होंने अपने अधिकार और मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी में आदिवासियों ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही जमकर कोसा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आदिवासियों के मुखिया ने बताया कि केंद्र सरकार आदिवासी वनवासियों के हित के लिए उनके अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं है और राज्य सरकार भी मुख दर्शक बनी बैठी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखकर वन अधिकार अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव भेजे हैं। उनका कहना है कि इस पत्र में ऐसे संशोधन प्रस्तावित हैं जो यदि पारित हो गए तो आदिवासी वनवासी को वन में जाना भी दुभर हो जाएगा। वन अधिकारी कर्मचारी उन्हें बेवजह परेशान कर किसी प्रकार की भी कार्यवाही में फंसा कर बेवजह प्रताड़ित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि संशोधन के माध्यम से वन अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए जा रहे हैं और वनवासियों को उनके सदियों पुराने अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट में वन अधिकार अधिनियम के विरुद्ध याचिका दायर किए गए थे। यहां पर भी केंद्र सरकार हमारे हित को ध्यान में रखते हुए मजबूती से पक्ष नहीं रख रही है और केंद्र और राज्य की इस नीति के विरोध में हम एकजुट हुए हैं और अपने अधिकारों को लेकर शांतिपूर्वक रैली करते हुए राजधानी पहुंचेंगे, जिसके बाद आज ये सभी राजधानी पहुँच कर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। इस पर भी आदिवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारे हितों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो हमारा यह आंदोलन प्रांत व्यापी से बढ़कर राष्ट्रव्यापी हो जाएगा और हमारा नारा होगा ना लोकसभा ना राज्यसभा, सब कुछ होगा ग्राम सभा। हम अपने ग्राम सभा में ही अपने अधिकारों को लेकर व्यापक प्रस्ताव पारित करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आईडीपी 24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।